हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हैदराबादी चिकन दम बिरयानी, जो बहुत ही मज़ेदार की और बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई जाती है। तो आप इसको ज़रूर लास्ट तक देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो इसको खाकर आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत ही खुशबूदार होती है। तो चलिए देखते हैं इस बिरयानी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस मज़ेदार बिरयानी को बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा। तो मैंने यहाँ पे लिए है ये 2 कटोरी राइस, जिनको मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो के रखा हुआ था। अब मैंने इनका पानी निकाल दिया है। और ये कच्चा बासमती राइस है, जिनकी बिरयानी बहुत ही नरम बनती है और बहुत खुशबूदार बनती है। तो ये मैंने आधा किलो से 500 ग्राम से थोड़ा कम लिया है। और ये मैंने लिया है यहाँ पे 500 ग्राम चिकन। हमें हमेशा अगर बिरयानी बनानी है तो राइस से ज़्यादा ही थोड़ा चिकन रखना चाहिए, या फिर इक्वल क्वांटिटी में रखना चाहिए। और ये मैंने लिया है यहाँ पे 2 ओनियन को मैंने फ्राई किया है ब्राउन कलर का, होममेड ही किया है। और ये मैंने लिया है इसका बचा हुआ ऑयल, जो हमें मैरिनेशन के लिए चाहिएगा। और ये मैंने लिया है यहाँ पे 1 बाउल कर्ड। और ये मैंने लिया 2 लेमन। और ये मैंने लिया है हरी मिर्ची। और ये मैंने लिया है अदरक का, जिसको मैंने छोटे छोटे पीस बना लिया है। और ये मैंने लिया है केसर वाला मिल्क 1 बाउल, जो हमें लेयर के लिए चाहिएगा। इसका खुशबू भी आती है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। और ये कुछ लिए हैं यहाँ पे खड़े मसाले, और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है पुदीना जो मैंने कट करके रखा हुआ है, ये है हरा धनिया, और ये है कुछ मसाले जैसे नमक, धनिया, हल्दी और रेड चिली पाउडर। तो चलिए अब हम सबसे पहले अपना करते हैं चिकन को मैरिनेट। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम अपना चिकन मैरिनेट। मैंने इस चिकन को वॉश करके रखा हुआ था, और मैंने जो बड़े पीस है, स्लैग पीस है, उनमें थोड़ा कट लगाया है ताकि इनमें मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाए। तो इसमें हम डालते हैं सबसे पहले अपना ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर हम डालते हैं इसमें अपना ये हरा धनिया, और ये डालते हैं पुदीना। पुदीना इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है हैदराबादी बिरयानी का, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा खुशबू देता है। और ये डालते हैं हम इसमें कर्ड, कर्ड भी हमें अच्छी खासी डालनी चाहिए। तो मैं ये डाल देती हूँ बड़ा स्पून, और फिर डाल देती हूँ अपनी फ्राई ऑनियन। हाफ हम अपनी लेयर के साथ यूज़ करेंगे और हाफ हम इसमें डाल देते हैं। और अब मैं डालूँगी इसमें कुछ मसाले, जैसे कि 1 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून रेड चिली पाउडर। आप रेड चिली पाउडर अपने हिसाब से ही डालिएगा, जैसा आप खा सकते हो, स्पाइसी या फिर कम स्पाइसी। ये मैंने डाला है 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर, और ये 1/2 स्पून मैंने डाला है इसमें हल्दी पाउडर। और लास्ट में मैं डालूंगी ये मैंने जो घर पर ही किया है ग्रीन, जो हमारी इलायची आती है उसका पाउडर, थोड़ा सा मतलब दरदरा बनाया है। आप जो मार्केट से पाउडर आता है वो भी डाल सकते हैं। आपको पता ही है हरी इलायची की जो खुशबू होती है वो तो बहुत ही अच्छी होती है, चाहे आप किसी भी रेसिपी में डाल सकते हैं। और ये मैंने डाला है जिसमें मैंने फ्राई किया था ओनियन को, उसका बचा हुआ ऑयल, क्योंकि ये तो इसमें डालना ही चाहिए, ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब हम करेंगे इसको मिक्स, चाहे तो आप स्पैचुला से कर लीजिए या तो फिर हैंड से कर लीजिए। हैंड से है कि अच्छे से मिक्स हो जाता है, लेकिन आपको पहले है अपने हैंड को वॉश करना पड़ेगा। मैं इसमें एक चीज़ भूल गई थी, उसके लिए सॉरी, गरम मसाला। तो मैं इसमें डाल दूँगी 1 स्पून गरम मसाला खुशबू के लिए। अब हमारा ये चिकन हो गया है अच्छे से मिक्स, तो अब हम इसको कवर करके रख देते हैं। आप चाहे तो उसको फुल लाइट में भी कवर कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 15 मिनट्स, 20 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर के लिए कवर करके रख सकते हैं। फिर अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए। नेक्स्ट प्रोसीजर में मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिया है मैंने एक भगोना, जिसमें मैंने रखा है पानी अपने राइस को बॉयल होने के लिए। तो हम उसमें सबसे पहले डालेंगे जो मैंने खड़े मसाले लिए थे ये सब, और इसमें डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून सॉल्ट। सॉल्ट हम चिकन में भी डाला था, तो अपने हिसाब से ही कि दोनों में बराबर होना चाहिए, तो डाल देंगे। अब उसमें डालेंगे मैंने कुछ यहाँ पे ली है ग्रीन चिली, और ये वाले अदरक वाली स्लाइस, तो ये भी डाल देंगे। और फिर डाल देंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने से राइस चिपकते नहीं है, आपस में खिले खिले हो जाते हैं। तो अब हम इसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तब तक ये बॉयल होता है, फिर हम उसमें राइस डाल देंगे, कवर कर देंगे। अब हमारा जो चिकन है वो भी हो गया है मैरिनेट। तो हम अब
इसका भी बना लेते हैं मसाला, इसको भी कर लेते हैं अच्छे से कुक। तो अब उसके लिए लेने पड़ेगा हमें एक फ्राई पैन या फिर कढ़ाई। तो मैंने यहाँ पे लिया है उसके लिए एक कढ़ाई, और उसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा ऑयल। बिरयानी में ऑयल तो बहुत अच्छा सा ही लगता है, तो इसलिए हमें इसमें डाल लिया है 1 बड़ा स्पून। इसको होने देते हैं अच्छे से हीट। ये हो गया है हमारा ऑयल, तो हम इसमें डाल देते हैं अपना ये मैरिनेट वाला चिकन। इसको अच्छे से कुक करना है हमें। इसको एक बार मिक्स कर देते हैं और उसको भीड़ लगाकर थोड़ी देर के लिए हम पकने देते हैं। और हमें इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम इसमें ऑनियन भी डालते हैं, कर्ड भी डालते हैं, तो वो अपना पानी खुद ही छोड़ेगा, तो हमें इसमें पानी नहीं डालना है। ये लगा देते हैं और अभी इसको पकने देते हैं। तब तक हम अपने राइस देख लेते हैं। ये पानी भी उबाल आने वाला है, तो हम इसमें डाल देते हैं अपने ये राइस। डाल दिए मैंने इसमें राइस, इनको मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था और अच्छे से वॉश करके रखा था। हमें इन्हें ज़्यादा पूरा नहीं पकाना है, 80 या 70% ही पकाना है, मतलब 1/3 पकाना है, क्योंकि इसमें दम लगेगा तो फिर इसको 80% ही पकाना होगा। एक बार इसको चला देते हैं और इसको कवर करके रख देते हैं। एक बार अपने चिकन को भी कर लेते हैं। अभी है इसमें पानी, तो इसको अभी थोड़ा अच्छे से भुनने देते हैं। और जो हमने अपने वो लेमन को कट करके रखा हुआ था, उसमें इसका जूस निकाल देते हैं। आप चाहे तो लेमन जूस को जब हम चिकन को मैरिनेट करते तब भी डाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी बाद में भी मसाले में डाल सकते हैं। अब इसको चलाकर पकने में थोड़ा वो टाइम लगेगा। चेक कर लेते हैं अपने चावल को, तो ये देखिए चावल हमारे हो चुके हैं। देखिए कितने अच्छे से तब रहे हैं, तो ये मतलब हो चुके हैं एकदम 80%, मतलब 1/3। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं छन्नी में। अब अपने चिकन को भी कर लेते हैं चेक। हमारा चिकन भी अब हो गया है चिकन, ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है। तो अब हम इसको अपनी बिरयानी को लगाते हैं लेयर। अब हम लगाते हैं अपनी लेयर राइस में, तो हम सबसे पहले लेयर डालते हैं राइस की। ये मैंने डाले हैं यहाँ पे राइस, इसको हम थोड़ा सा ऐसे फैला देते हैं। फिर हम डालते हैं नेक्स्ट लेयर चिकन की ऐसे। आप चाहे तो कितनी भी लेयर लगा सकते हैं चिकन और राइस के हिसाब से। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे फिर से चावल की लेयर, ऐसे। अब हम डालेंगे इस पर अपना ये फ्राइड ऑनियन और कोरिएंडर का ये कटा हुआ, और फिर से हम डालेंगे अपना ये चिकन लेयर। हम अपनी दो ही लेयर लगाएंगे। ये लग गया है अच्छे से मसाला। अब हम ये थोड़े से राइस इसमें और डाल देंगे। ये हमारी 2 लेयर कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपका चिकन और राइस ज़्यादा है तो आप 3 लेयर लगा सकते हैं।
उसमें डालेंगे अपना ये बचा हुआ सारा प्याज और हरा धनिया, और ये मैं डालूंगी लास्ट में इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, और फिर हम डालेंगे अपना ये केसर वाला मिल्क। केसर का तो फ्लेवर ही बहुत अच्छा आता है और इससे राइस भी स्मूथ हो जाते हैं। और ये हम डालेंगे लास्ट में फूड कलर। ये हो गया हमारा राइस तैयार। अब हम इसको लीड लगाकर दम पर रख देंगे। ये मैंने यहाँ पे लिया है एक तवा। अब हम इसको जो हमारा ये फ्राई पैन है हम इसको इस पे दम के लिए रख देते हैं और लो फ्लेम को कर देते हैं मीडियम। और ये 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लिए रख देते हैं, फिर हमारी बिरयानी एकदम बहुत अच्छी और मज़ेदार बनेगी। तो हम चेक कर लेते हैं अपनी बिरयानी को जो हमने दम दिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है, वो दम भी बहुत अच्छा आया है और राइस भी अच्छे हो गए हैं। तब हम इस गैस को कर देते हैं बंद और अपना तवा भी हटा देते हैं। अब हम इसको आराम से सर्व कर सकते हैं खाने के लिए। ये तैयार हो गई है हमारी खुशबूदार मज़ेदार वाली चिकन दम बिरयानी तैयार। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को ही पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए गुड बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।